हेलो एवरीवन, आज हम लोग यूपीटेट 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चन पेपर के माध्यम से ही हमें आगामी प्रश्नों का आइडिया मिलता है और हम आइडिया लगा पाते हैं कि प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है और प्रकृति है वो क्या होने वाली है, या जो हमारा एग्जामिनर है वो किस तरीके से उसकी थॉट प्रोसेस है और कहाँ से प्रश्नों को उठाने वाला है। तो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो जो पुराने प्रश्न हैं वो बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी हो जाते हैं उनको सॉल्व करना, क्योंकि वो हमें एक बेसिक और रफ आइडिया देते हैं कि जो किस तरीके के प्रश्न आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं, खास करके हमारे 28 तारीख वाले एग्जाम में। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बाल विकास एवं शिक्षण विधि वाले पोर्शन से कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो हमारे सामने चार ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि ये पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले ऑप्शन में है कि तत्काल उसे घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज करना चाहिए, उसके बाद है बच्चे को दंड देना चाहिए, और चौथे ऑप्शन में है कि बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो ऊपर के जो तीनों ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये कहीं से भी शिक्षक की प्रवृत्ति को नहीं दर्शाता, ये शिक्षक की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि शिक्षक को ये तीनों काम नहीं करने चाहिए, उसको संवेदनशील होना चाहिए किसी भी छात्र के प्रति और उसकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए पूरी संवेदनशीलता के साथ। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि बच्चे को परामर्श देना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर दो पर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दो हमारा है कि पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। तो पहला ऑप्शन है छात्रों के मानसिक विकास से, दूसरा ऑप्शन है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, तीसरा ऑप्शन है छात्रों के सॉरी तीसरा ऑप्शन है शैक्षिक संस्थानों के विकास से, चौथा ऑप्शन है छात्रों के वृत्तिक विकास से। तो यहाँ पर अब पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन भी कुछ हद तक सहगामी क्रियाओं को शामिल करता है, लेकिन सारे आयामों को ये शामिल नहीं कर पा रहा है। तो लेकिन हमारा जो ऑप्शन नंबर दो है उसमें आप अगर देखें तो ये छात्रों के सर्वांगीण विकास मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच को शामिल कर रहा है। तो कहने का मतलब सबसे सटीक आंसर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर यही होगा, क्योंकि पहला और चौथा सिर्फ एक आयाम को शामिल करता है, ठीक है, और तीसरा तो बिल्कुल इरेलेवेंट है क्योंकि वो छात्रों से संबंधित ना होकर शैक्षिक संस्थानों से संबंधित है। तो ठीक है, इसका ऑप्शन हमें निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो पहले के तीन ऑप्शंस हैं, थार्नडाइक, स्किनर और कोहलर, ये तीनों जो हैं अधिगम सिद्धांतों के प्रतिपादक रहे हैं। इनकी बहुत सारी थियरीज प्रचलित हैं जिनको हम लोग पढ़ते लिखते समझते आए हैं, लेकिन बीएस ब्लूम इस क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर चार है वो सही होगा, इन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, तो अवरोधन का यहाँ मतलब होता है कि किसी भी प्रकार की रुकावट या बाधा या बैरियर का आना जो हमारे शैक्षिक काम को प्रभावित करे और रोके, ठीक है। तो पहला जो है, किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं, बालक का विद्यालय न जाना। तीसरा ऑप्शन है बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना। चौथा है बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि नीचे के तीनों ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा, लगभग एक ही बात कह रहे हैं कि बच्चे ने बिल्कुल एफर्ट नहीं किया, वरना तो विद्यालय गया ना, उसने प्रवेश लिया और फिर अंत में उसने छोड़ ही दिया। कहने का मतलब यहाँ बच्चे द्वारा किए गए एफर्ट लगभग जीरो है। लेकिन पहले ऑप्शन में आप देखेंगे तो बच्चा जो है शिक्षक कार्यों में, शैक्षिक कार्यों में संलग्न है, लेकिन वो उसकी जो डेवलपमेंट है नहीं हो पा रही है किसी कारण से, और वो एक ही कक्षा में काफ़ी लंबे समय से है। तो ये जो है अवरोधन का एक सटीक एग्जाम्पल हुआ कि कुछ समस्याएं उसके साथ आ रही है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा,
बाकी के तीन ऑप्शंस यहाँ पे गलत हैं। अब बढ़ते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे पूर्व ज्ञान से यहाँ मतलब होता है कि बच्चे द्वारा सीखी गई वो विधाएं जो वो शैक्षिक क्रियाओं में आने से पहले उसे पता थी या उसका वो इस्तेमाल करता आया है। तो यहाँ पे हम चारों ऑप्शंस की ओर नज़र डालेंगे। तो पहला ऑप्शन है प्रदर्शन कौशल, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावना कौशल, तीसरा ऑप्शन है उद्दीपन परिवर्तन कौशल और चौथा ऑप्शन है समापन कौशल। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर बच्चे के पास किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई जानकारी है या उसको एक बेसिक या रफ आइडिया है तो वो पूरा विशेषज्ञ तो नहीं हो सकता उस विशेष संबंध, उसको एक मोटी मोटी कुछ बातें पता होंगी। तो जो हमारी जो एक तरह से कह लीजिए हेडलाइन से संबंधित होंगी, उसकी प्रमुख बातें, ठीक है, या कुछ आइडिया वो लगा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए प्रदर्शन वो तभी कर पाएगा, कहने का मतलब जो पहला ऑप्शन है प्रदर्शन कौशल वो तभी दिखा पाएगा जब उसको अच्छे से उस चीज़ के बारे में पता हो। तीसरा है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, इसके लिए भी उसको काफ़ी नॉलेज की ज़रूरत होगी, ठीक है। लेकिन चौथा ऑप्शन समापन कौशल के लिए भी उसको ठीक ठाक नॉलेज चाहिए होगा, लेकिन प्रस्तावना कौशल के लिए उसको एक रफ आइडिया अपने शब्दों में समझा बता पाने के लिए उसको किसी विशेष ज्ञान की ज़रूरत नहीं, अगर उसको थोड़ा सा भी पता है तो वो बता समझा सकता है। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावना कौशल, ठीक है, ये यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे उसके पूर्व ज्ञान समझाने सिखाने से पहले का जो कुछ वो ले के आया है कुदरती उसके बारे में ये बताएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो छठवां कौशल में आप देखेंगे छठवें प्रश्न में तो प्रश्न है निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो यहाँ पे भी चार ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और सूझ का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये जो है स्किनर का सिद्धांत है, उन्होंने इसको चूहे के ऊपर इन्होंने किया था और यही है वो सिद्धांत है जिसमें पुनर्बलन का यूज होता है। इसका बेस ही यही है कि अगर हम किसी काम से मोटिवेट होते हैं तो हमारी जो उसको बार बार दोहराने की प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। जैसे अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मुझे इसमें सफलता मिलती है तो मेरा वीडियो बनाने की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, है ना, और मैं बार बार उस काम को करने के लिए प्रेरित होऊंगा। तो कहने का मतलब है कि इसके पीछे जो कारक है वो कौन है, वो है पुनर्बलन। तो ठीक है, तो जो है ये पुनर्बलन का सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन का ही दूसरा नाम है। चलिए बहुत अच्छे, अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो यहाँ पर देखिए क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आंतप्रज्ञ अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। इंग्लिश में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इंट्यूटिव स्टेज जो है कि हम संज्ञानात्मक जो हमारा विकास होता है वो सबसे पहले जहाँ प्रस्फुटित होता है वो हमारे कामों में बाद में आता है, हमारे संकेतों में बाद में आता है, सबसे पहले वो हमारे आंतरिक स्टेज में वो पैदा होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर
तीन है, ये सही है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। मॉरिशन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वो हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक अरेंजमेंट की बात हो रही है कि किसके बाद क्या आने वाला है, कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई, कुछ इस तरीके से। अब आप इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो कुछ नाम दिए हैं जैसे प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन या व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन या अभिव्यक्तिकरण। तो अगर आप गौर से देखेंगे कि हम किसी चीज़ को अगर सीखने वाले हैं, अगर उसको हमें बोध प्राप्त करना है, तो सबसे पहली जो स्टेज हम लोगों को चाहिए होगी वो होगी कि हम उसके बारे में कुछ खोज करें, उसके बारे में हम लोग जिज्ञासु हों ना। वो जिज्ञासा हमें क्या करेगी, उसको खोजने के लिए प्रेरित करेगी, हम उसके बारे में खोजेंगे, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में अगर हमने कोई चीज़ खोजा या हमारे संज्ञान में वो चीज़ें आई, हमारा संज्ञानात्मक विकास उस टॉपिक या विषय को लेकर हुआ, तो दूसरे स्टेप में जो हम करेंगे कि हम जो है उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, उसकी प्रेजेंटेशन करेंगे, चाहे देखेंगे या समझेंगे या थोड़ा हम अपने क्रियाकलाप से उसको दोहराएंगे, तो वो प्रस्तुतिकरण होगा। अब तीसरे स्टेज में जो हम करने वाले हैं कि ऐसा करके हम उसको अपने अंदर आत्मसात करेंगे, ठीक है, उसको अपनी आदत बनाएंगे, उसको अपनी लर्निंग बनाएंगे, उसको अपनी एक स्किल बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक आत्मीकरण हुआ, ठीक है ना। तीसरे स्टेज में हमने क्या किया, उसको आत्मसात किया। अब चौथे स्टेज में हम देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। चौथे में क्या किया कि हमें उसके बारे में थोड़ी सी जो है हमारे पास स्किल आ गई, हम एक्सपर्ट हुए, तो अब हम उसको संगठित कर सकते हैं, उसको एक व्यवस्था का रूप देख सक दे सकते हैं, ठीक है। तो चौथे में आएगा हमारा जो तीसरा नाम है, संगठन या व्यवस्था। और अंत में जब हमको एक हाई लेवल की नॉलेज हो जाएगी, हम उसके बारे में काफ़ी एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो हम जो है उसके बारे में बोल सकते हैं, उसको व्यक्त कर सकते हैं, समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं ना। तो अंतिम और फाइनल जो वर्ड है वो क्या आएगा, वाचन या अभिव्यक्तिकरण। तो हम देखेंगे हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो देखिए, बोध, अनुप्रयोग और ज्ञान, ज्ञान, अनुप्रयोग और बोध, ये तीनों जो हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित हैं, लेकिन अनुमूल्यन ये जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख पा रहे हैं, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। देखिए, अधिगम के जो वक्र हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं, इसे आप कहेंगे उत्तल, ठीक है। और ठीक इसका जो अपोजिट बनेगा इस तरीके से, ठीक है, ये बनेगा अवतल, ठीक है। अब एक जो अवस्था होती है कि कुछ हद तक वो उत्तल हो और कुछ हद तक वो अवतल हो या नतोदर हो, तो ये दोनों अवस्थाएं सीखने में आती हैं। एक इसकी संबंधित एक और भी बात आता है, एक विषय आता है कि सीखने का पठार, आपने पढ़ा होगा, तो वो जो है उत्तल से संबंधित है कि एक स्टेज के बाद हमारी जो लर्निंग है उसमें डेवलपमेंट्स बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पर उसको सीखने का पठार हम लोग बोलते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, उन्नतोदर, उत्तल, मिश्रित और उन्नतोदर, ये तीनों अधिगम के ही ग्राफ हैं, वक्र हैं, ठीक है। लेकिन जो लंबवत है कि
कि आपने एकदम से शुरू किया और सीधे आपने डेवलपमेंट कर ली, तो इस कहने का मतलब जो लंबवत होगा हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यही जो है सीखने का वक्र नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है हमारा वो 4 सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 के इलेवन में हम पढ़ते हैं इसको, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है। ये देखिए थॉट्स हैं और इसको जो है गिलफोर्ड ने कहा है। ये चीज़ें जब आप डिटेल में जाएंगे कि किसने किस बारे में टिप्पणियाँ की है या किस बारे में उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होने लगेगा। थोड़ा इसके लिए डिटेल नॉलेज चाहिए, या आप इसको रट भी सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो है दो सूचियां हैं और उन्हें हमें आपस में सम्मिलित करना है। और पहली सूची में कुछ नाम दिए हैं मनोवैज्ञानिकों के, और दूसरी सूची में उनसे संबंधित विषय हैं जिन्हें हमें आपस में सम्मिलित करना है। तो पहला जो नाम है ब्रूनर का, और ब्रूनर जो हैं वो संबंधित हैं संप्रत्यय उपलब्ध शिक्षण प्रतिमान से, और दूसरा जो नाम है वो आसुबेल का है, जो संबंधित हैं अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान से, और तीसरा जो नाम है ग्लेजर का, ये संबंधित हैं बुनियादी शिक्षण से। बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है, बुनियादी शिक्षण से संबंधित ग्लेजर हैं, ठीक है। और चौथा नाम है डी गार्डन का, और गार्डन जो है ये संबंधित हैं साइनेटिक्स शिक्षण से। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 सही है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तेरह में अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 13, तो समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि समस्या की पहचान, कि बाकी चीज़ें उसके बाद ही आती हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब शिक्षक अधिग्रहण प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। तो आप देख रहे होंगे 3 और 4 जो ऑप्शन है लिमिट कर रहे हैं चीज़ों को। जहाँ पर ही वर्ड आ गया उसका मतलब है कि उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, तो सेम ये भी है, ये भी लिमिट कर रहा है। एकाधिकार का क्या मतलब है, हमें बहुत सारे आयामों को यहाँ पे शामिल करना है। तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे। और जो पहले ऑप्शन हम लोग एक बार देखते हैं फिर से, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। तो जो निष्क्रिय क्यों रखेगा भाई, बालकों को तो हमें हर हाल में सक्रिय रखना है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बचा, इसको फिर से पढ़ते हैं। बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक एवं मनोचालक पक्षों का विकास होगा। कहने का मतलब जो है हर डायमेंशन में बच्चों का विकास हो रहा है, हमें यही चाहिए, है ना। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। ऑप्शन है तैयारी, नंबर 2 अन्वेषण, नंबर 3 सामान्यीकरण और नंबर 4 प्रस्तुतीकरण। तो आप देख रहे होंगे अगर कोई बच्चा या शिक्षक तैयारी कर रहा है तो वो स्वयं से ही संबंधित हुआ, एक पक्षीय हुआ, कुछ खोज रहा है, अब किसी चीज़ के बारे में ज्ञान इकट्ठा कर रहा है, कुछ रिसर्च कर रहा है, तो
तो वो भी एक पक्षीय मामला हुआ, वहाँ दूसरे पक्ष का कोई औचित्य नहीं है। तीसरा आप देखेंगे सामान्यीकरण, मतलब जो कुछ सीखा पढ़ा है उसका सामान्यीकरण कर रहा है, तो ये भी एक एक ही पक्ष से संबंधित हुआ कि अपनी सीखी हुई स्किल को जो है आत्मसात कर रहा है ना। लेकिन आप चौथे ऑप्शन पे अगर आप देखेंगे प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण के लिए दो पक्ष होने आवश्यक हैं, एक वो जो प्रस्तुतिकरण कर रहा है, जो पढ़ा रहा है सिखा रहा है, और दूसरा जो सीख रहा है। कहने का मतलब अधिगम की सबसे आवश्यक दशा प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर जो उभयनिष्ठ सोपान जो दोनों जगहों पर विद्यमान है या दोनों को कनेक्ट कर रही है वो कौन सी है? प्रस्तुतिकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। मानव विकास का प्रारंभ होता है, ठीक है, शैशवावस्था से, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था से, तीसरा है गर्भावस्था से, चौथा है उत्तर बाल्यावस्था से। तो भैया मानव विकास का जो प्रारंभ है वो गर्भावस्था से ही होता है, ठीक है। कई बार आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और कन्फ्यूज करने वाला प्रश्न है कि हम लोग विकास को कब से शुरुआत उसकी माने। तो जब बच्चा भ्रूणावस्था में होता है, गर्भ में ही होता है, तभी से उसकी जो विकास की प्रक्रिया है शुरू हो जाती है। इसको हमें अपने दिमाग बहुत गहरे बैठाना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो आप देखिए 17वां क्वेश्चन है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो R.M. Gaine हैं। ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न उन लोगों ने दिया होगा, क्योंकि ये ऊपर के जो तीनों नाम हैं ऑप्शन 1, 2 और 3 में, ये बड़े ही फेमिलियर नाम हैं, लगभग सब इनके बारे में सुनते पढ़ते जानते रहते हैं। तो सोचा होगा कुछ ऐसा पूछते हैं जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन्हीं को लगाएंगे अगर उनको नहीं आ रहा होगा तो, है ना। तो लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये स्टैनले हाल का है, बहुत ही फेमस कथन है। उन्होंने बड़े ही अपने शब्दों में जो है इसको एक्सप्रेस किया है किशोरावस्था की चैलेंजेस को, ठीक है ना। इसको भी आप लोग अपने दिमाग में रखिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो इसमें 36 मिनट लगता है, ठीक है। यह एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। और नंबर क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये रॉस का है। रॉस ने ही सीखने का पठार, जो कहने का मतलब वो अवस्था जहाँ पे जिसके बाद हमारे सीखने में कोई डेवलपमेंट नहीं आता और वो लगभग एक कांस्टेंट रूप में अपना दिखाता है अपनी डेवलपमेंट को, वहाँ से कोई डेवलपमेंट होनी नहीं है, तो ये जो कथन है ये रॉस का है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21, स्तंभ 1 और 2 को सम्मिलित करना है, ठीक है। तो स्तंभ नंबर 1 में कुछ नाम दिए हैं और 2 में उनसे संबंधित मनोवैज्ञानिकों को नाम लिखे हैं, हमें दोनों को सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 21, तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं स्तंभ 2 में और हमें उन्हें स्तंभ 1 उनसे रिलेटेड टर्म हैं उन टर्म से हमें इन्हें सुमेलित करना है। इंटेलिजेंस जो है संबंधित है हार्ड आइक से, और दूसरा जो है पुनर्बलन की अनुसूची। तो पुनर्बलन अभी हमने ऊपर भी देखा था
ये जो है स्किनर से संबंधित है। ये पुनर्बलन का सिद्धांत भी इन्हीं का है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वहाँ पुनर्बलन के द्वारा ही हमें अपने कार्यों को निरंतर फिर से करने के लिए प्रेरणा मिलती है और हम उसे करते हैं। चूहे वाले प्रयोग की बात हुई थी। तो और तीसरा जो नाम है सार गर्भिता का नियम, इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो, लेकिन फिर भी अनुकूलन अगर हम देखें तो अनुकूलन जो है वो जो है संबंधित है पियाजे से, ठीक है। तो सारगर्भिता का नियम ऑटोमेटिक जो है संबंधित हो जाएगा गेस्टाल्ट से। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर एक जो है वो सही है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो शिक्षा जो है एक मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन से बनी? तो ये जो है 86वें संविधान संशोधन से बनी, ठीक है। और इसी के तहत राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आया है, ठीक है। अब हम लोग जो है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो इसके प्रतिपादक हैं मैकडूगल, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो ये जो अनोखा काल है संवेगात्मक विकास का, इसको कोल एंड ब्रूस ने कहा, ये है बाल्यावस्था। ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं तो किशोर अवस्था को लगाएंगे, लेकिन ये बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। अनोखा काल भी कुछ लोगों ने कहा है किशोरावस्था को, क्योंकि इसमें हार्मोनल चेंजेस और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो एक बार हमारा दिमाग उसी तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से इसको देखिए कि कोल एंड ब्रूस ने जो है संवेगात्मक विकास का जो अनोखा काल बताया है वो बाल्यावस्था को बताया है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? तो 26 नंबर क्वेश्चन का होगा एक गार्डनर ने। इन्होंने बुद्धि के कई रूप बताए और उसके कई सारे आयाम बताए। उन्होंने बहुत बुद्धि के अलग अलग इन्होंने व्याख्या की, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है? तो डिसलेक्सिया एक पठन विकार है, हम सभी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, बहुत बार ये भी आया हुआ है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन नंबर की। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। दूसरा, शिक्षक को निशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 है, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ये उसकी भूमिका है। ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, भी है। तो जो ये ऑप्शन नंबर 2 है यही है जो नहीं होना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। भाई क्यों नहीं ध्यान देना चाहिए?
अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, गलत बात है, प्रेरित करना चाहिए, ये होना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, ये बहुत गलत है, रोक देना चाहिए, तो कहने का मतलब इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, बच्चे की वृद्धि मुख्यता संबंधित है, तो बच्चे की जो वृद्धि है वो संबंधित है नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, भावनात्मक विकास से। तो आप देखिए ये जो नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक हैं, ये उसके सीधे डेवलपमेंट जो हमें प्रत्यक्ष, ठीक है, उसका जो डेवलपमेंट है, उसकी जो आयाम है विकास के, उससे संबंधित नहीं है, ठीक है, ये अप्रत्यक्ष है। तो जो प्रत्यक्ष हमें दिखाई देता है वो शारीरिक विकास है, तो यही इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।